माय गॉड, प्रमोद जी बहुत बहुत बधाई आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिव्य संगो देखिए हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रमोद भस्के जी। सर बताना चाहूँगा मैं केबीसी में आने के लिए 2016 से ट्राई कर रहा हूँ। ओहो 2023 साल हो गया सर, SMS का जमाना था वो। और मैं सचमुच दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा सोनी टीवी KBC को, मतलब आपने जो सेगमेंट चालू किया प्ले अलोंग स्पेशल, जी जी, जिससे मतलब सोनी लीव पर आप गेम खेल के यहाँ पर आ सकते, वो मतलब एक संजीवनी बूटी टाइप है हमारे लिए, हर प्लेयर के लिए, मतलब उससे ज्यादा प्रोसेस लंबा नहीं मिल जाता। हम उम्मीद करते हैं कि उस संजीवनी बूटी से जो भी आपका इलाज उलाज की जरूरत है, जी, जैसे लक्ष्मण जी का इलाज हुआ था, जी, वैसे आपका भी पूरा हो जाए जो भी, ठीक है। और तो प्रमोद जी आज आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरे पिताजी आए हैं। पिताजी आए हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका शुभ नाम? तात्याराम भस्के। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत तालियां बज जाए इनके लिए। और प्रमोद जी खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ प्रमोद जी, और जितनी भी आशाएं लेकर के आप आए हैं और कई सालों से 7 साल से आप प्रयत्न कर रहे हैं, वो सारी आशाएं जो हैं वो आज यहाँ पूरी हो जाएं, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। सर आपके मुंह में घी शक्कर, हमारे मुंह में घी शक्कर, मैं तो चाहूंगा कि आपके मुंह में इतना घी जाए कि सारे उत्तर आप एकदम सही दे दें। थैंक यू सर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए पहला प्रश्न प्रमोद जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या रणबीर कपूर अभिनीत 2023 की एक फिल्म है? विच ऑफ दीज इज अ 2023 फिल्म स्टारिंग रणबीर कपूर। ऑप्शन सुनिए, ए बीस्ट, बी एनिमल, सी मॉन्स्टर, या डी फियन। सर इट्स ऑप्शन बी एनिमल। क्या करें? लॉक कीजिए ऑप्शन बी। बी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। चलिए आगे चलते हैं खेल जी, में जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए। रेडी, चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रमोद भाई साहब। गजराज प्रणाली भारतीय रेलवे द्वारा किन जानवरों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए एक पहल है? द गजराज सिस्टम इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवे टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट विच एनिमल्स। ऑप्शन देखिए, ए एलिफेंट्स, बी हॉर्सेस, सी डियर, या बी काउज। हाथी, घोड़े, हिरण, या गाय। सर गजराज प्रणाली से तो मुझे ऑप्शन ए हाथी ही लग रहा है सर। ओके, तो मैं ऑप्शन ए हाथी के साथ जाना चाहूंगा सर। क्या करना चाहेंगे? प्लीज लॉक ऑप्शन ए हाथी। ये हाथी पे कर रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। और आपने जो अनुमान लगाया गजराज से वो भी सोच आपकी बिल्कुल सही थी। आगे भी अपने खेल में कई बार आपकी ये जो छोटी छोटी सोच होती है इससे फायदा होता है। जी सर। ऑलराइट भाई साहब आगे बढ़ते हैं, पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न। रेडी जी, पांचवा प्रश्न 10000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आ गया प्रश्न, इनमें से किसका मान सबसे अधिक है? ओके, आउट ऑफ दीज विच वन हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, ऑप्शन सुनिए, ए 110 by 5 divided by 5, B 110 divided by 2, C 110 divided by 10, या D 110 divided by 11. 110 बटा 5, 110 बटा 2, 110 बटा 10, 110 बटा 11. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 110 बटा 2. 110 बटा 2 पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। या क्या बात है, जनता ने मैथमेटिक्स कर लिया। 110 बटा 2 जो है वो 55 होता है, सबसे ज्यादा होता है। प्रमोद भाई साहब मैथमेटिक्स में आप काफी अच्छे हैं ऐसा लगता है, और जनता भी बहुत ही होशियार है, आंसर आने से पहले ही ताली बज गई होती। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, ये है 40000 रुपए का। रेडी जी सर, सातवां प्रश्न 40000 रुपए, ये रहा आपके सामने।
महाभारत में इनमें से कौन सा शब्द युद्ध के लिए सेना की एक व्यवस्था को दर्शाता है? इन द महाभारत विच ऑफ दीज टर्म्स रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ एन आर्मी फॉर बैटल? ऑप्शन सी ए व्यूह, बी व्रत, सी विमान, ये डी वासु। सर युद्ध के लिए सेना की एक व्यवस्था, इससे मुझे ऑप्शन ए व्यू लग रहा है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए व्यू। ए व्यू भी कहना था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये दसवां प्रश्न। हैवियर मिले को 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? हैवियर मिले वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन द ईयर 2023? ऑप्शन सुनिए, ए अर्जेंटीना, बी क्रोएशिया, सी सोमालिया, डी मलेशिया। सर इसके बारे में रिसेंट की ही न्यूज है, जेवियर मिले उनको मतलब राष्ट्रपति चुना गया है अर्जेंटीना के लिए, तो रिसेंट की ही न्यूज है ये, तो मुझे लगता है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए अर्जेंटीना होना चाहिए। ओके, तो बोलना पड़ेगा सर क्या करें? जी सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने। अर्जेंटीना दक्षिण देश, और बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्यवर बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां बज जाए क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। 11वां प्रश्न हम डालने जा रहे हैं, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ये जो है प्रश्न, इसको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, ये लीस्ट रिस्क पे होता है। मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न प्रमोद भाई साहब, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद में DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? द DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद वॉज रीनेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट? ऑप्शन सुनिए, ए डॉक्टर राजा रमन्ना, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या डी डॉक्टर होमी भाभा। DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। सर इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर या तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब होना चाहिए, क्यों डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन दोनों में से कोई हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। दो लाइफलाइन है आपके पास, सही उत्तर देंगे 6:40, गलत हो गया तो आप वहीं रहेंगे 3:20 में। मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि डॉक्टर राजा रमन्ना नाम से भी लॉजिक लग रहा है कि इनका भी हो सकता है नाम, ऑप्शन ए। समय ऑडियंस पोल लाइफलाइन लाइफलाइन है। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस देखिए बारी आ गई एक बार फिर से आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सबसे ज्यादा 52% मिला है, क्या करेंगे भाई साहब? मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके प्लीज लॉक ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। थैंक यू